अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान अहमद, स्टूडेंट हेल्पर में मैं आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, डिजिटल लॉजिक डिजाइन के लेक्चर नंबर 17 में आज हम बाइनरी एक फ्रैक्शन नंबर है हमारे पास, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि एक हेक्साडेसिमल ये नंबर्स है कुछ। अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स का नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में बताया है कि उनकी रेंज कहां तक होती है। तो ये हेक्साडेसिमल के नंबर लिखे हैं, 0 to 9 तक तो सेम होते हैं, लेकिन जो 10 होता है, डेसिमल का 10 होता है वो ए लिखते हैं, डेसिमल का 11 उसको बी कहते हैं, डेसिमल का जो 12 उसको सी, इसी तरह सो ऑन 15 तक आइए। तो इनकी पहले बाइनरी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो टेबल है हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये से देख के इसको सॉल्व करेंगे। अगर टेबल के बगैर करें तो वो भी लेंथ थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मुश्किल नहीं है वैसे भी करना, वैसे भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपके टेबल खुद बना के कर सकते हैं। आपने करना क्या, हेक्साडेसिमल नंबर लिखिए, इसकी बाइनरी सिंपल आपने कैसे बनाती है, बनानी है आपने टू टाइम, पहले 1 times 0 1 times 1 लिखना है टेबल में बना लेगा। आप खुद भी टेबल बना सकते हैं, 1 times 0 1 times 1 ऐसे करना है आपने, 1 times 0 1 times 1 7 के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 और ये 15, ये 15 तक हो गए। एफ की बाइनरी भी है। अब 1 times 0 1 times 1 लिखा, अब 2 times 0 2 times 1 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 अब क्या करना, 2 अब 2 times लिखा, 2 की पावर ले लो, फिर 4 आता है 2 की पावर 4, अब 4 times 0 4 times 1 4 times 0 4 times 1 ये बन गया। अब 8 times 0 8 times 0 8 times 1 तो ये था टेबल। ऐसे आपने टेबल बनाना है, 1 times 0 1 times 1, फिर 2 times 0 2 times 1, फिर 4 times 0 4 times 1, फिर 8 times 0 8 times 1, अगर आगे होता 16 times 0 16 times 1। तो ये आप सिंपल टेबल खुद भी जबानी बना सकते हो। पहले आपने टेबल बनाना है, आप करना क्या, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, ये जो पॉइंट इस तरह वैल्यूज है उसको अलग करना, सॉल्व 0 0 1 1 0 0 1 ये वाला मैंने अलग लिखा पेयर। तो इसका करना इधर से आपने इस तरफ से पेयर बनाना है, और जो पॉइंट के इस तरफ वैल्यूज आपने पॉइंट के जो इस तरफ वैल्यूज है ना आपने राइट टू लेफ्ट बनानी है, फिर पॉइंट के इस तरफ आपने लेफ्ट टू राइट। तो पॉइंट के इस तरफ मैंने पहली वैल्यूज लिखी, आपने करना क्या, 4 4 बिट के पेयर बनाने हैं, राइट हैंड से शुरू करना है इस तरफ, 1 ये 4 बन गए, और इधर इसको 4 बिट पूरे करने के लिए खुद हमने 0 0 लगाने हैं। तो पॉइंट के इस तरफ वैल्यूज लिख ली, अब करना क्या, ये बाइनरी नंबर लिखे हुए हैं इनका हेक्साडेसिमल नंबर पहले लिखना है। इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, 001 का हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास क्या है, 001 का हेक्साडेसिमल नंबर अपने देखना इधर से, 0001 में इस दम मैंने मान लिखा। अब 0011 का हेक्साडेसिमल ये है, तो 0011 का हेक्साडेसिमल नंबर क्या, 3, तो 31 हो गया, इधर हमने 31 लिख लेना पॉइंट लिखा। तो ये था पॉइंट के इस तरह वैल्यूज हो गए सिंपल, उसने इधर 4 4 बिट के पेयर बनाने हैं, और इधर से टेबल से मैच करके आपने लिख लेना इधर। तो अब पॉइंट के जो उस तरफ वैल्यूज आपने लेफ्ट हैंड की तरफ पेयर बनाना शुरू करना है, ठीक है। मैं इधर लिखता हूं 0 1 1 0 1 1 0, अब इधर से बनाना स्टार्ट करना है। ये 4 बिट के पेयर बन गया हमारे पास, और ये 4 बिट पूरे करने के लिए इसके साथ एक और 0 लगा लिया, ठीक है। तो अब करना क्या, 4 बिट पूरे हो गए, तो इसका 4 बिट पूरा गया, ठीक है। अब करना क्या, इधर से हमने स्टार्ट किया था ना, अब करना क्या, इस पहले इसकी जो बाइनरी है इसको हेक्साडेसिमल नंबर देख लेना, 0110 0110 का ये फाइल है, हेक्साडेसिमल नंबर का फाइल लिख लिया। अब 110 110 के लिए लिखा हुआ ये, इसका बाइनरी नंबर क्या हमारे पास, हेक्साडेसिमल नंबर क्या, सी, तो सी लिख लिया, ये 5C आ गया हमारे पास, इधर 5C लिख लिया, तो कन्वर्ट हो गया बाइनरी फ्रैक्शन नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, ये सिंपल था। तो अपने टेबल खुद ही बना लेना, अगर ना टेबल बनाना आया तो, बल्कि मैं एक दफा दोबारा आपको बता दूं, जो हेक्साडेसिमल नंबर है
उनकी जो रेंज है 15 तक होती है, तो रेंज सॉरी उनकी होती है 16 डिजिट तक, तो जीरो से स्टार्ट होते हैं एफ तक आते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर 09 तक तो सेम होते हैं, लेकिन जो 10 होता है डेसिमल करना 10 नंबर उसको हेक्साडेसिमल में ए कहते हैं, फिर बी सी डी इस तरह टेबल आपने बना लेना। ये वाला हेक्साडेसिमल लिखा और इसकी जो बाइनरी अब लिखनी है, तो बाइनरी कैसे लिखेंगे, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, इस तरह 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 3 टाइम सॉरी 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 8 टाइम 0 8 टाइम 1, ये वाला टेबल आपने सिंपल आपने बना लेना। तो पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व की, इधर से पेयर बनाने 4 बिट के, 4 बिट के ये वाला बनाना है आगे 4 बिट का, ये इसकी बाइनरी लिखी, इसी तरह ये वाला लिखा तो इधर से स्टार्ट करना है आपने, ये वाला पेयर बनाया फिर ये वाला पेयर बनाया, इसकी जो बाइनरी है इसका उसका डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर लगना है, फिर ये वाला जो बाइनरी है इसका हेक्साडेसिमल इधर से मैच करके लिख लेना। तो ये था दोस्तों हमारे पास बाइनरी फ्रैक्शन नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई था तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।